तो 20 सितंबर को हरियाणा में 12 से 3 बजे तक सभी सड़कें बंद करने का किसान संगठनों के ऐलान को देखते हुए प्रदेश पुलिस ने सभी अफसरों को आदेश कर दिए हैं और तैयारियों की समीक्षा हो रही है। टोटल न्यूज़ संवाददाता ने पानीपत के डीएसपी हेडक्वार्टर से खास जानकारी आपके लिए लेकर आए। अध्यादेशों को लेकर हरियाणा में किसानों का आंदोलन अपने चरम पर है और 20 सितंबर को किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि 12 से 3 बजे तक हम सड़कें जाम करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश है कि कोई भी आदमी सड़क जाम करता है तो पुलिस को ये आदेश है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस के क्या इंतजाम है ताकि इस तरह के हालात पैदा ना हो? सर, किसानों ने ऐलान किया कि पूरे हरियाणा में 3 घंटे सड़कें हम बंद करेंगे। पुलिस ने क्या इंतजाम किया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और उनको मनाया जा सके? देखिए, हमने ड्यूटीज लगा दी हैं, जो हमारा पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पर आशंका है जो इकट्ठे होंगे ये लोग, तो हमने ड्यूटियाँ वहाँ पर लगाई हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्म में सभी की नेम प्लेट लगी होगी, सभी एंटी राइड इक्विपमेंट से लेस होंगे और हम बातचीत भी कर रहे हैं किसानों से। कोई ऐसी अव्यवस्था होने की कोई आशंका यहाँ पर नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर समझाने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि नहीं मानते हैं लोग, तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम करें। सर, इस मौके पे कुछ लोग शरारती तत्व भी होते हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन होती है, उस तरह के तत्वों को मतलब पुलिस पहले से आइडेंटिफाई करे, इस तरह के हालात पैदा ना हो, लोग आश्वस्त रहें कि पुलिस मुस्तैद है, पुलिस अपना काम करे, इंतजाम पूरे हैं, ठीक है बंद हो जाए सड़कें लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी, लोग आश्वस्त रहें। बिल्कुल, हमारा अलग से तंत्र भी है, जो सारी चीज़ें मैं कैमरे के सामने नहीं बता पाऊंगा। हमारा तंत्र है, हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर रखा है और हमारी पैनी नज़र है हर स्थिति पर, हर आदमी पर जो शरारत कर सकता है उसके ऊपर भी, तो वो हमारे पूरे इंतजाम है, हम कुछ भी नहीं गड़बड़ाने। ये चूंकि पूरा हरियाणा का बंद है, खाली पानीपत की बात नहीं है, आपके सीनियर ऑफिसर्स के क्या आदेश हैं, किस तरह के उन्होंने आपको गाइड किया होगा, डायरेक्शंस दी होंगी? देखिए, लगातार डायरेक्शंस सीनियर अधिकारियों की हमारे पास आ रही हैं और बिल्कुल क्लियर कट आदेश हैं कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, आम जनता को कोई परेशानी ना हो और किसी के साथ जाती ना हो। 20 सितंबर को 12 से 3 बजे तक सड़कें बंद करने का ऐलान किसान संगठनों ने किया हुआ है और जैसा डीएसपी साहब बता रहे हैं कि सीनियर अफसर से पूरी तरह टच में जो भी आदेश आ रहे हैं, पूरी प्राथमिकता इस बात की रहेगी कि कानून व्यवस्था बनी रहे और जहां तक जाम की बात है वो मौके पर जो कुछ भी आदेश होंगे उस तरीके से स्थिति से निपटा जाएगा। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।